अजीत जोगी जी ने ऐलान किया है कोरबा से चुनाव लड़ने का, कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं और क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है जोगी जी के खिलाफ आप वहाँ उतर सकते मैदान में? देखिए ऐसा है, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई, मैं उनको मानती हूँ। सामने जो भी होगा वो देखा जाएगा, परिस्थितियों के अनुसार मैं उसका सामना करूँगी। नहीं, लेकिन चूंकि उनके पास में काफ़ी लंबा अनुभव है एक्सपीरियंस राजनीति, आप कह रहे एक महिला है लेकिन आपके पास भी अनुभव है, कितना बड़ा चैलेंज के तौर पर ले रही है इसको? मैं उससे बड़े हैं और अनुभवी भी हैं, चैलेंज तो है, सामना तो करेंगे। महान जी मेरे साथ हैं, मुझे डर नहीं है। और कोरबा की जनता, मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो मेरे साथ है। वहाँ महिला वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कोरबा लोकसभा सीट जी, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो महिलाओं को आप लाभ आने में कामयाब हो सकते हैं? महिलाओं के लिए एक महिला बहुत अच्छा काम कर सकती है और मैं हमेशा उनके बीच में आई गई हूँ, तो मुझे मालूम है कि उनकी क्षेत्र में क्या उनकी ज़रूरत है, उनको क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार ज़रूरत के अनुसार मैं उनका काम करूँगी। कोरबा क्षेत्र बहुमूल्य क्षेत्र है, तो उनके लिए किस तरह से आप काम करेंगे वहाँ के लोगों के लिए? बहुमूल्य क्षेत्र है और इसको और बहुमूल्य बनाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जब बीजेपी ने आरोप लगाया, परिवारवाद का आरोप लगाया है बीजेपी ने, इसे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि पति के बाद अब पत्नी को टिकट दिया जा रहा है इसको लेकर? देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मैं एक साधारण महिला हूँ, गृहिणी हूँ, मुझे आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, भूपेश बघेल जी, ये पुनिया जी और अपने टीएस बाबा जी, इन लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे इस उपयुक्त समझा है, तो उनकी आज्ञा के अनुसार मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। मैडम एक चीज़ ये है कि पूर्वा लोकसभा में मरवाही आता है विधानसभा, अगर जो भी करते हैं तो जाहिर तौर पे जैसा विधानसभा चुनाव में हमने देखा है वो बड़ी जी, और हमेशा से वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा, जहाँ से कांग्रेस आपको नहीं लगता नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव दोनों में काफ़ी अंतर होता है और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर, कोरबा क्षेत्र की मतदाताओं पर, महिलाओं पर, अपने भाइयों पर पूरा विश्वास है, वो मेरा साथ देंगे। आप नामांकन कब दाखिल कर रहे हैं? 29 तारीख। जी आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद के बाद सवाल कैसे कर रहा था महाराज, सुनाई नहीं दे रहा जी। मोदी लहर जो चल रहा है कितना इफेक्ट पड़ेगा कोरबा लोकसभा चुनाव? विधानसभा तो खत्म हो गया, फिर बोलूँ क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए क्षेत्र ने महान जी को जो स्नेह और प्यार दिया है, वहाँ की मतदाताओं ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, उसके आगे कोई लहर नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ज्योत्सना महंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, महंत जी मेरे साथ हैं इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, कोरबा की जनता और कार्यकर्ता ने विश्वास किया है, सोनिया जी ने उन पर विश्वास किया है और उस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त समझा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्योत्सना महंत कर रही थी, कोरबा से लोकसभा के प्रत्याशी हैं,